में ही इंद्री पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की 3 वारदातों को ट्रेस करते हुए चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। 1 जनवरी को वार्ड नंबर 9 में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने इंद्री निवासी कालू खान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 4500 रुपए की राशि बरामद की है। वहीं इंद्रगढ़ में बैटरा चोरी करने वाले रादौर के रहने वाले राकेश उर्फ राखा को गिरफ्तार कर लिया है। 30 दिसंबर को राइस मिल से चोरी हुए 70 कट्टों के मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ASI शमशेर सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया और आरोपियों को मौके पर दबोच लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खानपुर में हुई चोरी की वारदात को कबूल किया। आरोपियों से चोरी का माल बरामद करने के लिए पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर उन्हें 1 दिन के रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर लाडवा से धान के 70 बैग बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार 30 दिसंबर की रात को साहिल गौरव अमन कमल सुखवंत और मुनीश ने योजनाबद्ध तरीके से हरि कृष्णा राइस मिल में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। सभी आरोपियों ने पहले लाड़वा में शराब का नशा किया, उसके बाद आरोपी अपने वाहन में राइस मिल पहुंचे। राइस मिल की दीवार पर लगी कंटीली तार टूटी होने के कारण आरोपी उसी रस्सी से धान के बैग चोरी कर फरार हो गए थे। इंद्री थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार का कहना है कि हरि कृष्णा राइस मिल से जीरी के 70 कट्टे चोरी हुए थे। घटना का पता चलते ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। सूचना के आधार पर आरोपियों को काबू कर उनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। इसके अलावा क्षेत्र में हुई 2 अन्य चोरी की घटनाओं को भी ट्रेस किया गया है। रात्रि को गश्त बढ़ा दी गई है। यमुना से लगते क्षेत्रों में भी पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। पुलिस ने आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। इंद्री से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। हमारे यहां इंद्री में 1 जनवरी की रात को गुरुद्वारा में से गल्ले में से पैसे चुरा लिए थे, जिस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर दिया था और उसमें 4 तारीख को हमने एक अली मोहम्मद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके उससे 4,450 रुपये बरामद की थी और 3 तारीख को ही इंद्रगढ़ में से एक घेर से बम्फर और बैटरा चोरी हो गया था, उस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज किया था और उसमें हमने कल राकेश और राखा निवासी रादौर को डेरा बस्ती के हैं इनसे को रेड हैंडेड गिरफ्तार करके इससे सामान बरामद कर लिया और उसको भी हमने कल गिरफ्तार कर लिया था। 29/12 की रात को खानपुर में हरि कृष्णा राइस मिल से 70 कट्टे चोरी हो गए थे, जिस संबंध में हमने FIR दर्ज की थी और तफ्तीश के दौरान कल हमने 6 लड़कों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 4 तो लाठी धनोरा लाड़वा में गांव पड़ता है, 4 लड़के वहां के हैं और 1 बीट रैत खाने का, 1 लाड़वे का है। उनको गिरफ्तार करके कल हमने 70 कट्टे चावलों को भी बरामद कर लिए हैं और चावलों में से सारे ड्राइवरी काम करते हैं तो वहां से गुजर रहे थे, वो लोग दारू पी रखी थी, उन्होंने दारू पीते हुए उनका अपने आप ही वहाँ से जो सेलर की जो तार थी वो टूटी हुई थी, बस शरारती मूड में उनका दिमाग ने काम किया कि भाई यहाँ से क्यों ना चोरी कर लें चावल और नए साल का जश्न मनाएंगे, इस वजह से उन्होंने चुरा लिया। तो चोरों को हमने बस अड्डा इंद्री के पास से ही सस्पेक्टेड तौर पर गिरफ्तार किया था मुखबरी के आधार पर और उनसे पूछताछ की तो दौरान पूछताछ उन्होंने बताया ऐसे सबने चोरी की थी और चोरी के इकट्ठे भी बरामद हुए। तो उनसे काफ़ी पूछताछ की गई है इस बारे में तो आगे कोई इनसे कोई खुलासा नहीं हुआ है, आज उनको जुडिशल मिल गई। तो हमने बढ़ा दिए, रात्रि का समय है, धुंध वगैरह पड़ती है तो दोनों PCR और गाड़ियाँ भी और पैदल गश्त भी हमने शहर में रात को भी और शाम को भी लागू कर दिए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।